सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रेम व रंगों के प्रतीक होली के त्यौहार की कथा को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे होली का महत्व व होली की कथा को और क्या है होली का इतिहास। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा की ओर। रंग बिरंगे पर्व होली की धूम भारत में चारों तरफ दिखाई दे रही है। यह पर्व फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आता है। होली के साथ विभिन्न तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप था। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे। वही अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को कई सजाएं दी जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रह्लाद के साथ चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ प्रह्लाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही वह कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रह्लाद के ऊपर चला गया। इस तरह प्रह्लाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के एक दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराइयां, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व को मजे से मनाया जाता है। सड़कों पर गुलाबी, पीला, हरा और लाल रंग चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई देता है और लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों को त्योहारों की बधाई देते हैं। लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और रंगों के त्योहार को बड़े ही प्रेम से मनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को होली का पर्व बहुत ही पसंद आएगा और आप सभी इसे प्रेम और स्नेह के साथ मनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।